क्या फिल्में थी, क्या गाने, oh my God, आज भी इतने फ्रेश लगते हैं, मजेदार। सर कैसी लगी आपको देबोस्मिता? Fantastic, बहुत बढ़िया। Thank you sir, thank you। আপনার বাবা মা ওইখানে বসে আছেন তো? আপনি বাবা ওনার সঙ্গে একটু কথা বলবো আমি। কিন্তু তার আগে আমি বলতে চাই, fantastic। Thank you sir, thank you। এত confident তুমি করেছো। Thank you sir। আর সবসে বড়িয়া হয় কি ইনকা being a Bengali और इतना बढ़िया इनका प्रैक्टिस है कि इनका प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, तलफ्फुज जी इतना बढ़िया है, कोई कह ही नहीं सकता, कहीं कोई एक्सेंट नहीं है। तो बहुत सालों से मेहनत की है और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, जिन लोगों ने मेहनत करवाई है, यानी वुमेन एम्पावरमेंट के दौर में जिसने आपको एम्पावरमेंट तक पहुँचाया है, वो आपके माता पिता हैं। गजब किया आप लोगों ने, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने काफी गरीबी भी देखी है, बेटी पे बहुत ही ध्यान रखा है आपने, कोशिश की है, आपने सपोर्ट करे छेन शेजुन ने अपना के भीषण नामी थैंक्स बोल ची आभार अपना के जाना छी हमी। लेकिन साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि ये घबराने की जरूरत नहीं है, इस गरीब यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैं आदित्य का तो नहीं कहूँगा, लेकिन आदित्य के पिताजी उदित नारायण जी का जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने जो गरीबी देखी है, वो 100-100 रुपए में भी गाना बहुत देर से गाया था उन्होंने, उस समय 100 रुपए भी बहुत बाद में मिलते थे। मैंने भी आपके सामने एक उदाहरण हूं कि मैंने 5 रुपए में रेडियो प्ले करने गया था स्ट्रगल डेज में। बड़े बड़े लोग हैं, धर्मेंद्र साहब हैं, बड़े भाई सवान, बहुत स्ट्रगल किया, अमिताभ बच्चन हैं, बहुत लोग हैं, और कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो आपको पता ही होगा, जो रात में फुटपाथ पे सोते थे, रेलवे स्टेशन पे सोते थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज महान कलाकार बने थे, बड़े बड़े स्टार्स बने। मैं भी 150 से 200 रुपए के अंदर में मैं महीना गुजारता था, उसी में सोचिए कपड़े भी धुलाना, बस से ट्रेवल भी करना, खाना या कई बार खाना नहीं खाना, ये सब करके। लेकिन एक हौसला था, एक कॉन्फिडेंस था, एक पैशन था कि जिंदगी में कुछ करना है और करेंगे, और शायद ऊपर वाले ने सुन ली और मुझे वो रास्ता मिला, वो दिशा मिली, सही दिशा में आया, नई दिशा में आया, चाहे कला का मंच हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, दोनों जगह अच्छी उड़ान रही। इसीलिए मैं आप दोनों को देख के ये कहना चाहता हूँ, कभी बच्चों का भविष्य का फैसला अपने अहम के ऊपर ना करें कि हम चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, हम चाहते हैं हमारा बेटा जो है इंजीनियर बनेगा। अरे कैसे बनेगा भाई, कौवा बनेगा वो, अगर उसके अंदर टैलेंट नहीं है तो कैसे बनेगा? उसको बनना है अगर, तो उसके एप्टीट्यूड पे जाओ, उसकी रुचि पे जाओ, उसके टैलेंट पे जाओ। जैसे आप दोनों गए, देवू जी, नीता जी, आप गए, याद रखिएगा कि ये लड़की जो है अपने हुनर से
अपने टैलेंट के बल पे, अपनी रुचि के बल पे और अपने पैशन के बल पे सिर्फ समाज का और आप लोग का ही नहीं, सिर्फ बंगाल का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करें। मैं इनकी गायिका को अब नायिका के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हाँ, ये आपने दो गाने जो गाए पेश किए अभी, एक रीना रॉय की वो जा रहे जाओ हर जाई, इधर मत देखिए मैं उधर देख रहा हूँ, तो खामोश तू घर चल। तो रीना रॉय की बात की, बहुत अच्छा वो इसमें, बट उन्होंने भी जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी है, आपने वाकई मौसम बदल दिया। Fantastic. क्या बात। थैंक यू सर। तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सावन होगा, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में ओ, 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 प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, सावन होगा, सावन। बदरा बदरा छाए के झूले पड़ गए हाय के मेले, लग गए मच गई धूम रे के आया सावन, ओ झूम के आया सावन, झूम के बदरा Thank you.
चली पुरवाई जाने किस बिरहन का मन तरसा के पानी बरसा कंगना है कंगना लाए के घर लौट के आए पर सुबह से घूम के ये आया सावन हो झूम के आया सावन आया सावन झूम के आया सावन झूम के आया सावन झूम के दोनों ही गाने खूब बहुत पॉपुलर हुए और आज आप गा रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि मैं फिर उसी माहौल में चला गया हूँ. ये बजरा छाए तो इसमें मुझे डांस करना था. सब प्रोड्यूसर्स की वाइफ्स ये वो उन दोनों बड़ा जुड़ा करती थी. वो सब करके आके बैठ गई कुर्सियाँ डाल के अभी धर्मेंद्र नाचेगा. तो मैंने कहा यार तू हाउस पाइप से बारिश करते थे ऐसे तो मैं ऐसे करते करते यूं कर दिया तो उनके जूड़े वूड़े सब खुल गए. कब हे धर्म ये क्या 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 अरे 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 पावी जी ये की हो गया वो गई. उसके बाद हम नाचे फिर मैं यहाँ से कह के निकला था कि आप रफ़ी साहब के जिस वक्त आप गाने गाते हैं बहुत अच्छा लगता है. उसके बाद भी मैंने आपके बहुत सारे परफॉर्मेंस देखे बहुत अच्छा गा रहे हो. हम लोग फिल्मों में जो गाने देख रहे थे वो माहौल आप लोग यहाँ कैसे पैदा कर रहे हो ये मेरे समझ मेरे धर पकड़ के नहीं है मेरी. वाकई ऐसा लग रहा जैसे फिर वो सिनेमा का माहौल आ गया आज. वाकई बहुत अच्छा और आप तो बहुत ही अच्छा गाना गाती हूँ. बहुत बहुत बढ़िया गाना गाती हूँ. इट्स अ ट्रीट टू वॉच यू टू हियर यू. धन्यवाद. थैंक यू देबोश्मिता. थैंक यू विनीत. एक फिल्म की बात करता हूँ अनिता राज दी. तो ये भाभी का चमचा था. अरे भाभी क्या पराठे बनाए क्या सब्जी है. मैं बोर हो गया. भाभी की तारीफ की जा रही है भाई जिसने पढ़ा रहा है जो उसका कोई बात ही नहीं. तो मैंने केला उठाया ये भी तुम्हारी भाभी ने बनाया. जिस वक्त ये फिल्में मैं कर रहा था आदरणीय धर्म जी के साथ में तो मैं सुबह सुबह पहुँचा तो मैंने दूर से देखा. इफ़ यू अलाउ मी टू से सर उस वक्त एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो धर्म जी पे हाथ उठा रहे थे. तो हम लोग सोचने पड़ गए कि ये धर्म जी पे कैसे हाथ उठा सकते हैं और ऐसे शराफत से ये उनके हाथ से खाए जा रहे थे. तो मुझे इतना प्यार आया मैं बाहर खड़ा रहा था. मैं रोने लगा. मैंने कहा कि ऐसे आज की तारीख में ऐसे हो सकता है क्या. ऐसा हीरो इससे पहले तो कभी नहीं देखा जो पिता के हाथ से. और कसूर इनका सिर्फ इतना ही था कि ये रात में कह के नहीं आया मतलब कि मैं कहीं जा रहा हूँ या कहीं मैं. हाँ और ऐसे उस एज में जिस वक्त धर्मेंद्र जी से बड़े मतलब के स्टारडम. तो मैं ये सब बच्चे लोगों से ये कहना चाहूँगा जो जो ये इस मंच के माध्यम से प्रोग्राम देख रहे हैं कि इस अदब में और इस तमीज़ में जो आर्टिस्ट हुआ करते हैं वही धर्मेंद्र हुआ करते हैं. हाय हाय क्या बात है. और जो मात्र प्रेम के लिए पूरी दुनिया से टकरा जाते हैं वो गोविंदा हुआ करते हैं. क्या बात है क्या बात. उस वक्त सने साल या डेढ़ साल का हो गया था. फादर फादर होता है यार. फादर तो फादर ही अच्छा बुरा. लेकिन मेरे फादर के जो बड़े भाई थे शर्म नहीं आती उसको मारते हो तुम बेटे को. तुम्हारा जूता एक जैसा हो गया तुम
हमारे फादर ने उनको भी झटक दिया, वो क्या था? चल तो उधर बैठ। उन्होंने मैं रात को लगाई थी तो सुबह उन दिनों मुझे सब कहते थे यार आप घर में कैसे पचा लेते हो, मैं यार पचाने का तो पता नहीं सिस्टम है, मेरा पसीना अगर मैं यूं करके फेंक दूं वो शराबी हो जाएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.